मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण क्लास वन चैप्टर टू वर्ण विचार के बारे में बताएंगे। पहले हम आपको बताएंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई व ध्वनि होती है। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ स्वर मान लिए जाते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह होता है जिसे वर्ण कहते हैं। चैप्टर टू वर्ण विचार परिभाषा। छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जैसे अ, ई, च, त इत्यादि वर्ण हैं। ध्वनियाँ शब्द ध्वनियाँ। कार क प्लस आ प्लस रा प्लस आ कार शब्द ध्वनिया। सूरज स धन उ प्लस र प्लस ज प्लस अ शब्द ध्वनिया। हाथी ह प्लस आ प्लस थ प्लस ई। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर दूसरा व्यंजन। पहला स्वर, जो अक्षर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे अ आ इ ई ऊ ऊ ए आदि। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अ ह उ आदि ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। व्यंजन, जो अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे क ख ग घ छ छ ज त म र ल आदि। मात्रा, व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। मात्राएं 10 प्रकार की होती हैं, जैसे आ ई ई ऊ ऊ ए ऐ री ओ औ अंग अह। ये मात्राएं जब व्यंजनों पर लगती हैं तभी व्यंजनों का उच्चारण भली भांति होता है, जैसे कक्का किक्की कुक्कू क्री के कै को कौ कंकह। द्वित्व व्यंजन, कई शब्दों में एक ही वर्ण दोहरा जुड़ा होता है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे पन्ना गन्ना डिब्बा गुट्टी मिट्टी आदि। संयुक्त व्यंजन, जब किसी व्यंजन से कोई और व्यंजन जुड़ा हुआ हो तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे शब्द कब्ज आदि। इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर और होमवर्क आपको दिया जाएगा। आइए अब अभ्यास कार्य करते हैं। निम्नलिखित स्वरों की मात्राएं लिखे। ई री ए ओ ऊ औ ए। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।